हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एल्फ गुडनेस के दो टोनर के बीच में कंपैरिजन वीडियो। पहला है कुकुम्बर टोनर और दूसरा है ग्रीन टी टोनर। तो आज के वीडियो में मैं इनके बीच में कंपैरिजन आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आप जानना चाहती हैं कि कैसे हैं ये प्रोडक्ट या इनके बारे में सभी बातें, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इन दोनों ही प्रोडक्ट पे मैंने डिटेल वीडियोस भी शेयर किए हैं, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं। इन केस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से देख सकते हैं। इनकी जो डायरेक्ट लिंक है मैंने उसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखिएगा। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है, स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इनके क्विक रिव्यू की, उसके बाद मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। इन दोनों ही टोनर का जो प्राइस है वो है 125 रुपीज, और इसमें आपको 100 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स पैकेजिंग पे मेंशन किए गए हैं, जैसे कि प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट लिस्ट। और ये टोनर ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं। इनके जो यूज करने का तरीका है वो सेम है, आप चाहें तो डायरेक्ट अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं या फिर किसी भी कॉटन पैड में लेके उसके बाद अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इनके क्लेम की तो इनके जो क्लेम है वो अलग अलग है। कुकुम्बर का जो क्लेम है वो है ये है कि ये आपके फेस के पीएच लेवल को बैलेंस करके रखता है, साथ ही साथ आपके फेस के जो ब्लेमिशेस हैं उन्हें रिमूव करता है। वहीं पे अगर ग्रीन टी की बात करूं तो ये आपकी स्किन को रिवाइटलाइज करता है, माने कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डेड है, आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा डेड स्किन सेल्स है तो उसे रिमूव करता है। और साथ ही साथ ग्रीन टी जो होता है वो आपके फेस के पिंपल और एक्ने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अब बात कर लेते हैं इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की। अगर आप ग्रीन टी की इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पे ग्रीन टी मेंशन किया गया है, जबकि अगर कुकुम्बर की आप इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हैं तो इसमें जो कुकुम्बर है वो 7वें नंबर पे मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से ये क्लियर हो जाता है कि इसमें कुकुम्बर जो है वो सिर्फ नाम के लिए है। क्योंकि अगर ये कुकुम्बर टोनर है जिसमें जो कुकुम्बर है उसे टॉप 5 में होना चाहिए था या पहले या दूसरे में होना चाहिए था, तो इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। अब बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस की, मैंने इन्हें यूज किया है तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। फिलहाल मैंने इसे टोनर की तरह ही यूज किया है, मैं डायरेक्ट ही अपने फेस पे स्प्रे कर लेती हूँ। और हाँ, मैं टोनर को दिन में 2 बार या 2 बार तो फिक्स ही होता है, लेकिन मैं 2 बार से ज्यादा यूज करती हूँ और ये बात मैंने आपके साथ कई बार शेयर की है। अब बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा टोनर मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा या मेरी स्किन टाइप के लिए कौन सा टोनर सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहा। वैसे ये दोनों टोनर ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके फेस को बिल्कुल भी ऑयली, ग्रीसी या शाइनी नहीं बनाते हैं। लेकिन इनमें भी एक माइनस पॉइंट है। अब वो क्या है, अगर मैं कुकुम्बर टोनर की बात करूं तो इसकी जो स्मेल है वो ऐसा लगता है कि जैसे हम कच्चा कुकुम्बर कट करते हैं, माने कि जब हम खीरा कट करते हैं तो जो हल्की सी स्मेल आती है सेम वैसी ही स्मेल इसकी भी है, जबकि ग्रीन टी की जो स्मेल है वो मुझे काफी अच्छी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ग्रीन टी जो है वो मेरे फेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। फिलहाल इसे यूज करने से आपको पता चल गया होगा कि मैंने इसे कितना यूज किया है, और मैंने इसे बहुत कम यूज किया है, देख के ही पता चल रहा है। क्योंकि इसे यूज करने के बाद, जैसे मैंने अभी टोनर अप्लाई किया है तो मैं कभी कभी मॉइस्चराइजर स्किप कर देती हूँ, तो मेरा फेस जो है वो आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है या बहुत ज्यादा शाइनी हो जाता है, और ये प्रॉब्लम मुझे ग्रीन टी के साथ नहीं हुई है। इसे यूज करने के बाद मेरा फेस ऑयली या शाइनी नहीं होता है, तो इसलिए मुझे ग्रीन टी का टोनर जो है वो कुकुम्बर फ्लेवर से ज्यादा पसंद आया। अगर इनके हार्मफुल की बात करूं कि इन्होंने मेरे स्किन पे कोई बैड इम्पैक्ट डाला है, नहीं, इनकी वजह से मेरे फेस पे कोई पिंपल्स नहीं आए, कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं फेस करनी पड़ी, लेकिन इसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती है और थोड़ी देर के बाद मेरे फेस को ये शाइनी बना देता है, इसलिए मुझे ये प्रोडक्ट उतना नहीं पसंद आया जितना मुझे ग्रीन टी का टोनर पसंद आया है। ओवरऑल
आप पे डिपेंड करता है, आपको जो टोनर पसंद हो आप उसे यूज कर सकती हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं है, आप चाहें तो इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पे और मेंशन कर दूं, इस प्रोडक्ट पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है कि इनमें पैराबेंस हैं या नहीं है, जो कि थोड़ा सा अनोइंग लगता है। एटलीस्ट उन्हें मेंशन करना चाहिए था कि इसमें पैराबेंस हैं या नहीं है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरा ये कंपैरिजन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, मेरे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।